गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 6 के पार्ट 7 में आपने IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड के बारे में पढ़ा, तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, जो कि IUPAC का 8 पार्ट है। ओके, देखो बहुत सारे अभी ऐसे IUPAC नोमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप का बचे हुए हैं, जिसमें एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लो ये है, जिसका नाम क्या है बाबू, एल्कोहल। ओके, तो आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं और इसके बाद जो भी लेक्चर आएंगे सारे लेक्चर के अंदर 2-3 की संख्या में एक एक करके और सारे फंक्शनल ग्रुप का हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर को क्लियर करेंगे। ऐसे काफ़ी कुछ जो सबस्टिट्यूएंट है उसका हमने देखा भी है इंक्लूड करके IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर में, ओके, उसको कनेक्ट करके। लेकिन अब जो इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, ओके, जिसका अपना रियल आइडेंटिटी है, जो कि किसी भी ऑर्गेनिक सबस्टांस के साथ लगने के बाद उस ऑर्गेनिक सबस्टांस का नाम को चेंज कर देता है अपने आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, अपना पहचान के अकॉर्डिंग उस ऑर्गेनिक सबस्टांस का, उस कंपाउंड का नाम को बताता है, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को अब हम यहाँ इंक्लूड करेंगे इस पार्ट के अंदर। ओके, तो आज हम जो भी बात करने वाले हैं वो केवल एल्कोहल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ इसका जो है वो IUPAC नाम के साथ हम लोग कॉमन नेम को भी देखेंगे, क्योंकि काफी वो इंपॉर्टेंट होता है जो बेसिक रहेगा, और जो भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के साथ हो, जो भी चीजें होंगी हम लोग उसको आज देखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ क्या बाबू, एल्कोहल। देखो एल्कोहल को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, फ्री वैलेंसी OH, क्या लिखते हैं, फ्री वैलेंसी OH। ओके, अब इसका जो कॉमन नेम में जो यूज करोगे सफिक्स, वो एल्कोहल यूज करोगे। क्या यूज करोगे, एल्कोहल, पूरा वर्ड यूज कर दोगे एल्कोहल। मतलब कि कभी कोई भी नाम लिखो उस नाम के लास्ट में अगर एल्कोहल वर्ड यूज कर दोगे तो वो कौन सा नाम हो जाएगा, कॉमन नेम। कैसे सर, देखते हैं, एक साथ दोनों को कुछ देर तक मर्ज कर लेंगे ना, कॉमन को भी लिखेंगे और IUPAC को भी लिखेंगे, ताकि दोनों एक साथ स्ट्रांग हो जाए। ओके, और जो IUPAC सिस्टम के अंदर आप इसका सफिक्स यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, OL करेंगे, ऑल, क्या करेंगे, ऑल, है ना। AL जो वर्ड होता है वो एल्डिहाइड के लिए यूज किया जाता है, OL वर्ड यूज करेंगे इस तरीके से, OL, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका इसमें क्या है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम का प्रैक्टिस आप करके सीख सकते हैं इसके अंदर। अभी आप तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं रहे हैं कि अभी लैब के अंदर कोई सबस्टांस को बनाएंगे अल्कोहलिक सबस्टांस को, तो अभी जो भी है वो IUPAC नोमेनक्लेचर की बात है। तो ये जो बात है इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, ये कॉमन नेम में क्या लगाएंगे और IUPAC नेम में क्या लगाएंगे। ये दोनों चीज अगर आपके माइंड में सेट है कि IUPAC में हमको कुछ भी हो जाए ऑयल का पोजीशन लगाना है, ऑयल का नाम लगा देना है, ऐसे ऑयल लास्ट में वर्ड यूज कर देना है और कॉमन के अंदर एल्कोहल वर्ड यूज कर देना है, तो ये चीजें अगर आपके अंदर क्लियर है तो बस एग्जांपल देखिए और एग्जांपल के अकॉर्डिंग उसको सीखने का कोशिश कीजिए। ओके, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ओके, और इस एग्जाम्पल में मान लो हम एक छोटा सा CH3, आपको पता है CH3 क्या है, तो CH4 मेथेन है और CH3 क्या है, मिथाइल। ये तो सिर्फ सिंपल सा चीज है, इतना सिंपल कि इस पर बोलना भी कुछ ज्यादा ये नहीं है, है ना। CH3 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, अब इसी मिथाइल के साथ आप OH लगा दे, अब इसका क्या नाम लिखेंगे, तो देखो हम कॉमन को भी कुछ दूर तक इंक्लूड करेंगे, है ना, क्योंकि कॉमन का हम स्पेशल कोई लेक्चर तो लेकर आए नहीं है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जब पढ़ाए थे लेक्चर 3 तो उसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिए थे, है ना, और कभी कभी कॉमन नेम की बात किए हैं, दो प्रीफिक्स वगैरह के बारे में, आइसो नियो नॉर्मल वगैरह के बारे में, तो उसके साथ बात करना एक स्पेशली लेक्चर लेना, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। ओके, तो कॉमन नेम हम लोग इसमें इंक्लूड करके सीखेंगे, चूंकि ये एग्जाम में पूछता है। ओके, तो अभी CH3OH है, ये CH3OH का कॉमन नेम क्या लिखोगे, तो CH3 1 कार्बन है, CH3 मिथाइल है, तो सिंपल सा एकदम बिल्कुल क्या हो जाएगा, मिथाइल कॉमा और क्या लिख दोगे, एल्कोहल, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल एल्कोहल, कितना ईजी है। अब दूसरा नंबर मान लो ऐसे दे दिए हम CH3CH2OH, अब बोले इसका नाम दो, इसका नाम क्या होगा, तो देखो कॉमन नेम इसका क्या लिख दोगे, CN कॉमन, IN इंटरनेशनल, ऐसा लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम, IUPAC का मतलब होता भी इंटरनेशनल है, तो दो कार्बन है तो क्या लिख दोगे, इथाइल, क्या लिख दोगे, इथाइल, और OH वर्ड से क्या लगा दोगे बाबू,
एल्कोहल, तो क्या हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल, है ना। तीसरा नंबर मान लो हम ऐसे ले ले, CH3, CH2, CH2OH, तो क्या कर दोगे। तो देखो तीन कार्बन है, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, तो प्रोपाइल एल्कोहल। ओके, अब यही तीन का सबसे पहले हम बोलते हैं कि IUPAC लिख के दिखाओ। तो कैसे लिखोगे, IN लिख लेते हैं इंटरनेशनल, इसी को हम लोग IUPAC भी ऐसे लिखते हैं, IUPAC, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अभी इसका लिखोगे, तो एक कार्बन से क्या होता है, तो IUPAC के लिए पूरा वर्ड यूज करना मेथेन, ऐसे लिख देना, लेकिन ई को रिप्लेस करना। क्यों लिखोगे, क्योंकि आपको जो है उसका सफिक्स को भी इसके अंदर लिखना है। तो जब कभी भी अगर ये सब सफिक्स हो, जैसे AEIOUY, अगर इसमें से कोई भी वर्ड रहे AEIOUY, तो इसमें से अगर कोई भी अगर पहले से ऑलरेडी रहे, तो यहां देखो ई था, और उसके बाद अगर आपको कोई दूसरा अगर प्रीफिक्स वगैरह ये सफिक्स वगैरह लिखना हो, तो ऐसे स्थिति में लास्ट का जो होता है ना सफिक्स, ये जो लास्ट का जो वर्ड है उसको आप हटा सकते हैं। ओके, तो ऐसी स्थिति में ई को रिप्लेस कर लिए, तो क्या लिख दिए, मिथेन। चूंकि तो एक ही कार्बन है, तो इसमें वन प्लेस को डिनोट करने का ये बताने का कोई जरूरत नहीं है, आप बता भी सकते हैं। तो ओएल लग दोगे तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। ऐसे भी आपको याद है कि हाँ मिथाइल अल्कोहल को मेथेनॉल कहते हैं। अब इंटरनेशनल नेम है, इसमें भी वन यहां से शुरू होता, वन यहां से भी शुरू होता, तो कहीं से भी वन होने का चांस है, इसलिए तुम इसको सीधा लिख सकते हो। वन प्लेस पे होता है तो ज्यादातर नहीं ही दिखाते हैं। और अगर लिख दिया गया है प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो जो एओएच लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्कोहल ग्रुप, वो कहाँ लगा हुआ है, पक्का वन पे ही लगा हुआ है, इस कारण से प्लेस को ये नहीं बताया गया है यहां पर। तो दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथेन। ई को रिप्लेस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल। ऑल वर्ड को ऐसे लगा दोगे तो इथेनॉल हो जाएगा। यहाँ इंटरनेशनल नेम है, अब यहाँ देखो ऐसे लिख सकते हो कि 1 2 3 है, तो प्रोपेन तक जाओ और फिर वन लगा के ऑल लगा दो, या फिर प्रोपेनॉल डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल लगा दी। दूसरा है, मान लो हम थोड़ा हार्ड करते हैं, जैसे देखो CH3, CH2, CH2, CH2OH, अभी बोले इसका नाम लिख के दिखाओ, तो कॉमन नेम क्या लिखोगे, तो 1 2 3 4 कार्बन टोटल, पहले कार्बन काउंट कर लेना है, तो 4 कार्बन का क्या हो जाएगा, तो ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या हो गया, ब्यूटाइल एल्कोहल, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटरनेशनल नेम क्या लिखोगे, तो इंटरनेशनल नेम में तो 1 2 3 4 उधर ही से नंबरिंग करोगे, सारा कुछ आपको पता है, तो वन, तो सबसे पहले क्या लिख दोगे, ब्यूटेन। क्या लिख दोगे, ब्यूटेन वन ऑल, सबसे पहले ब्यूटेन लिख दिए, 4 कार्बन और पहला पे ओएल है तो ऑल कर दिए, वन ओएल, ऐसे इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये चूंकि स्ट्रेट कार्बन में ये ओएच लगा हुआ है और इसके और भी स्ट्रक्चर बनने की कंडीशन है, तो ऐसी स्थिति में और कुछ दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हो। जैसे अब ये स्ट्रेट है तो नॉर्मल दिख रहा है, चूंकि सारे कार्बन बिल्कुल चैन में, एक सिद्ध में, स्ट्रेट लाइन में लगे हुए हैं, एक ही पाथ में है, लीनियर पाथ में है, तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ एन वर्ड लगा सकते हो, चूंकि हम नॉर्मल आइसो नियो टर्शियरी और सेकेंडरी वगैरह का अल्फा बीटा गामा सारे के ऊपर एक लेक्चर बनाए हैं हम, है ना, तो आप उसका लेक्चर को जरूर देखो, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। तो नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल इस तरीके भी लिख सकते हो। दूसरा, इसी का हम एक आइसोमर बनाते हैं, जैसे CH3, CH, CH3 और CH2OH, ऐसे दे दें, आप बोले इसका नाम लिख के दिखाओ, कॉमन नेम कैसे दोगे, कॉमन नेम कैसे दोगे इसका। तो देखो टोटल कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3, 1 2 3 और एक यहां लगा हुआ है, 4, ठीक है, 4 कार्बन है, और इसका कॉमन नेम कैसे दोगे, तो कॉमन नेम देने के लिए क्या करना होता है, सारे कार्बन को काउंट कर लेते हैं, तो 4 कार्बन, उसके बाद देखते हैं कि वो कार्बन किस टाइप का है। तो देखो ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट जो है वो इस एल्कोहल से सेकेंड पोजिशन पर है, तो जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप से अगर सेकंड पोजीशन पर कभी कोई भी वैसा मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ होता है, तो ऐसी स्थिति तो उसमें कैसा वर्ड यूज होता है, आइसो वर्ड यूज होता है, क्या होता है, आइसो, आइसो जिसको कहते हैं हम लोग, तो आइसो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आइसो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, क्या हो जाएगा,
आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ओके, अब इसका आईयूपीएसी नाम लिखना चाहो, इंटरनेशनल नेम लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? तो देखो, अब ये तो मिथाइल यहाँ फिलहाल सब्स्टिट्यूएंट के जैसा वर्क करेगा, इंटरनेशनल नेम में ये मिथाइल जो है वो सब्स्टिट्यूएंट के जैसा बिहेव करेगा, तो ये वन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। देखो अभी हम कुछ यहाँ एक नोट छोटा सा लिख रहे हैं, फिर से ये पहला मान के चलो, ये दूसरा। सबसे पहले जो है वो आप R के बारे में सीखे हैं, R बराबर CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, और इससे ज़्यादा पावर का जो होगा वो क्या होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का लगभग सेम होता है। ओके, अब इससे ज़्यादा पावरफुल का जो होगा तुम्हारा OH हो जाएगा, ठीक है ना? तो OH अभी सबसे ज़्यादा पावरफुल है, अगर तीनों का यूज करें हम तो OH की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, थ्री। तो टू पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो ऐसे लिख दोगे टू मिथाइल, और वन टू थ्री कार्बन ऊपर में बच गया, चूंकि इस मिथाइल का तो आपने लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, क्या हो गया, प्रोपेन वन ऑल, प्रोपेन वन ऑल, मतलब कि तीसरा कार्बन पर, तीसरा कार्बन में पहला कार्बन पर ओएल, मतलब कि ओएच लगा हुआ है और दूसरा पर मिथाइल लगा हुआ है। इज दैट ओके? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें सीखने के लिए। चलो इसके बाद अब हम कुछ देते हैं तुमको बनाने के लिए, तुम हमको बना के दिखाओ कैसे बनाओगे। तो जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं सिंपल सा, फोर कार्बन का ही है ना, जैसे फोर कार्बन में आपको एक दिया गया है, कितना नंबर था ये, फोर एग्जांपल, यहाँ फाइव ले लेते हैं। मान लो कि एक दे दिए हैं इस तरीके से CH3C है ना, और यहाँ लगा देते हैं CH3 और यहाँ लगा देते हैं OH ऊपर में, और यहाँ लगा देते हैं CH3। अब हमको बताओ इसका क्या नाम दोगे, इसका कॉमन भी आपको देना है और इंटरनेशनल नेम भी देना है, कैसे दोगे बताओ? तो क्या करोगे, सबसे पहले कॉमन देने के लिए देख लो कि इस कार्बन से OH लगा हुआ है, इस कार्बन से OH लगा हुआ है तो ये स्ट्रेट तो है नहीं, तो ब्रांच है, स्ट्रेट होता तो नॉर्मल लगाते, और इसके सेकंड पे और सेकंड लास्ट पर अगर लगा हुआ था CH3 तो ऐसी स्थिति में आइसोबर्ड लगा देते जो पिछला था। लेकिन अब इसमें क्या है कि इस कार्बन से OH लगा हुआ और इसी से तीन कार्बन लगा हुआ है, थ्री डिग्री कार्बन है ये, थ्री डिग्री कार्बन है तो टर्शियरी कार्बन हो गया, चूंकि टर्शियरी को ही थ्री डिग्री बोलते हैं है ना, तो टर्शियरी, तो बस इस तरीके से लगा दोगे टर्ट और वन टू थ्री फोर, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल और अल्कोहल बर्ड का यूज कर देना है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटरनेशनल नेम लिखोगे तो बस वही नंबरिंग शुरू हो जाएगी, यहाँ से वन टू, यहाँ से भी वन टू, यहाँ से भी वन टू, तो कहीं से कर लो, तो स्ट्रेट को मान लो तो क्या हो जाएगा, टू मिथाइल, दूसरा पर मिथाइल है, टू मिथाइल, टू मिथाइल एक बार लिख चुके हैं, टू मिथाइल, तो क्या हो जाएगा, तीन कार्बन बच गया, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, तीन कार्बन से प्रोपेन और टू ऑल, चूंकि दूसरा पर OH भी है। ओके चलिए सिक्स नंबर आपको बना के दिखाना है। मान लो कि हम ऐसे दे दें CH3 CH2 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 OH, बताओ इसका क्या होगा नाम? सर इसका तो बड़ा सिंपल है, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव कार्बन है, OH लगा हुआ है, तो पेंटाइल हो जाएगा और एल्कोहल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, चूंकि सारा कार्बन स्ट्रेट है इसलिए नॉर्मल वर्ड भी लग जाएगा, तो कॉमन में क्या कर दोगे, इन प्रोपाइल और एल्कोहल, इंटरनेशनल में क्या कर दोगे, तो वन टू थ्री फोर फाइव, नंबरिंग उधर ही से होगा ना, इसलिए वहां OH लगा हुआ है, तो क्या कर दोगे, नॉर्मल ये क्या हो जाएगा, तो पेंटेन वन ऑल, मतलब कि पांच कार्बन में पहला पर लगा हुआ है अल्कोहल, सिक्स। अब सेवन नंबर देख लो, एक देते हैं तुमको CH3 CH CH3 CH2 CH2 OH, इसका बताओ ये क्या नाम होगा, कॉमन भी बताना है और IUPAC भी, तो कॉमन नेम में क्या लिखोगे, तो देखो वन टू थ्री फोर, तो ये सेकंड लास्ट कार्बन है, क्योंकि लास्ट अगर इसको मानो तो ये सेकंड लास्ट है, तो हमने क्या कहा था कि सेकंड और सेकंड लास्ट पर अगर CH3 सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ रहता है तो आइसोबर्ड लग जाता है, तो वन टू थ्री फोर फाइव, तो क्या हो जाएगा, आइसोपेंटाइल एल्कोहल, और IUPAC नेम इंटरनेशनल नेम क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ से वन टू थ्री फोर कर दोगे तो क्या हो जाएगा,
मिथाइल क्या हो जाएगा, थ्री मिथाइल ब्यूटेन वन ऑल, मतलब कि चार कार्बन में पहले पर है, ये आप बताएंगे। जैसे देखो CH3, CH2OH, अब बताओ कैसे नाम दोगे इसका, इसका क्या नाम है, IUPAC दो भी और कॉमन दो, दोनों दो, कॉमन और इंटरनेशनल दोनों देना है। तो कॉमन नेम हम ये साइड दे रहे हैं, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, तो देखो इससे OH लगा हुआ है, इससे OH लगा हुआ है, अब ये 1, 2, 3 कार्बन है, अब इस कार्बन से चार कार्बन लगा हुआ है, 1, 2, 3, 4 कार्बन। तो जब एक कार्बन से चार कार्बन अटैच हो तो ऐसी स्थिति में उसको क्या बोला जाता है, क्या बोलेंगे, नियो पेंटेन। वन कार्बन से अगर चार कार्बन अटैच हो तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसको नियो बोलते हैं, और चूंकि चार को अटैच है और एक कार्बन सेंटर में है तो टोटल पांच हो गई, तो पेंटेन हो जाएगा, तो यहां लगा दिया जाएगा क्या, नियो पेंटेन, लेकिन पेंटेन पूरा नहीं लिखेंगे, पेंटाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेंटाइल एल्कोहल। ओके, यहां लिख रहे हैं IUPAC इसका, तो IUPAC क्या दोगे, 1, 2, 3, इधर से भी काउंट करोगे तो इधर जाएगा, तो यहां से 1, 2, 3 इधर हो सकता है, 1, 2, 3 इधर भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रेट को ही मान लो, तो ये स्ट्रेट वाले को अगर सॉरी इसको नहीं इंक्लूड करना है, इसको मान लोगे तो क्या हो जाएगा, तो 2, 2 डाई मिथाइल है ना, 2, 2 डाई मिथाइल, चूंकि दूसरे पर है तो 2, 2 डाई मिथाइल, और प्रोप तीन कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन और वन ऑल, मतलब कि तीन कार्बन के अंदर पहले के कार्बन पर क्या है, OH ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए हम लोग लिखेंगे प्रोपेन वन ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, ओके। फिर इसके बाद है नेक्स्ट कुछ एग्जांपल जो हम लोग डबल बॉन्ड को इंक्लूड करेंगे। जैसे डबल बॉन्ड में मान लो कि हम ये ले लें, अभी तुमको एक कितना नंबर एग्जांपल था, चलो मल्टीपल बॉन्ड है ये, 4 यहाँ था और उसमें लगता है 5 था, तो 5, 4, 9 मान के चलो, तो यहाँ 10 नंबर एग्जांपल ले लिया जाए इस तरीके से कि CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2CH2OH। अब बोलेंगे इसका नाम दे के दिखाओ, तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड से ज़्यादा पावर है इसका, ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, तो इसका इंटरनेशनल नेम क्या दोगे, अब डायरेक्ट इंटरनेशनल सीखिए, चूंकि अगर कॉमन पूछता है तो जनरली वही सब पूछता है, न्यू टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी है ना, यही सब सब पूछता है नॉर्मल से, तो 1, 2, 3, 4, 5 ओके। तो इसका नाम कैसे लिखोगे, तो क्या लिख दोगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 तो क्या लिखोगे, पेंट, ऐसा भी लिख सकते हो कि टू इन पेंट वन ऑल, पेंट वन ऑल, ओके। अभी मान लो 11 नंबर हम तुमको इस तरीके से दे, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH OH CH3, अब देखो इसका क्या नाम होगा, तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 पे पढ़ रहा है, उधर से 2 पे पढ़ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 ही था ना यहाँ। अब ये देखो इस बार पोजीशन चेंज कर दिए, दूसरा पर OH लगा दिए हैं, तो इसका इंटरनेशनल नेम क्या हो जाएगा, तो बताओ, तो यहाँ कितना पे है, 1, 2, 3 है, तो 3 इन हेक्स और कितना हो जाएगा, 2 ऑल, हेक्सेन पूरा भी लिख सकते हो इस तरीके से, हेक्सेन 2 ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं। 11 नंबर मान लो हम ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, या चलो इसके साथ एक BR लगा के ले लेते हैं, ओके, डबल बॉन्ड CH और CH OH और CH3 और CH3, अब बोले अब नाम देखे दिखा, कुछ हार्ड नहीं है, नंबरिंग देखो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, उसी को प्रायोरिटी देना है अभी, तो IN क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो सबसे पहले ब्रोमीन लिखा जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन का स्पेलिंग B से और मिथाइल का स्पेलिंग M से, सबसे पहले तो प्रायोरिटी देख लेनी है कि किस साइड से फंक्शनल ग्रुप को
फंक्शनल ग्रुप को नंबर कम से कम मिल रहा है, गेन मिनिमम नंबर। ओके, अब उसके बाद जब देख ले तो जो सब्स्टिट्यूएंट बचेगा, ऐसे भी पूरे पूरे कंपाउंड में जो है ना वो फंक्शनल ग्रुप की जो संख्या होती है वो एक ही होती है, चाहे वो कोई भी हो। अगर मान लो हम यहाँ एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड या ईथर वगैरह लगा दें, जो कि OH से अगर स्ट्रांग है तो OH से स्ट्रांग है तो OH भी यहाँ सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ओके, जो भी है कंपाउंड, उस कंपाउंड के अंदर जितने भी लगे हुए हैं सब में एक ही होता है जो फंक्शनल ग्रुप होता है, वो मेन होता है, बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट के रूप में होते हैं। तो यहाँ 6 ब्रोमो पहले लिखा जाएगा क्योंकि ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट है और मिथाइल भी, और मिथाइल और ब्रोमीन में बी का बी से स्पेलिंग होगा ब्रोमीन का, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे आएगा, और मिथाइल का होगा एम जो कि पीछे आएगा। तो क्या हो जाएगा, 6 ब्रोमो है ना और 2 मिथाइल, और फिर क्या हो जाएगा बाबू, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा 4 in, क्या हो जाएगा 4 in, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या लिख देंगे, हेप्टेन, हेप्टेन हेप्टेन और कितना पर है, 3 पर, तो 3 ऑल हो जाएगा इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मान लो यहां 13 नंबर एक एग्जांपल ले, CH3, फिर क्या है CH2, और यहाँ मान लो हम सी ट्रिपल बॉन्ड सी ले लें, CH BR CH OH, और यहाँ CH3 कर दें, तो कैसे लिखोगे, तो देखो उसी को नंबरिंग देना है पहले, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या करोगे, IN में 3 ब्रोमो, और इसके बाद क्या करोगे, तो 1 2 3 4, तो क्या कर दोगे, 4 wine, ट्रिपल बॉन्ड का जो होता है वो वाइन होता है, तो ऐसे लिख दोगे वाइन, 4 ion है ना, 4 ion, और क्या बच गया, हेप्टेन 2 all। ओके, तो इस तरीके से बना लोगे। चलिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मान लो कुछ इस टाइप का भी प्रॉब्लम होता है, तुमको बॉन्ड में दे दिया जाए, बॉन्ड लाइन में दे दिया जाए, तो कैसे बनाओगे, ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस है, मतलब जितना ज़्यादा प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है ना। अब बॉन्ड लाइन के फॉर्म में हो जाए और साइक्लो के फॉर्म में रहे तब कैसे बनाओगे, जैसे इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 कर दें है ना, इस तरीके से दे दें OH, तो कैसे बनाओगे, कुछ नहीं है, 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा बताओ, हेक्सेन 1 all, कुछ नहीं है एकदम। दूसरा मान लो इस तरीके से दिया हुआ है और यहां एक लगा दिया तुमको, यहां OH लगा दिया, अभी फिलहाल सिंपल है, तो क्या हो गया, मिथाइल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो क्या लिख दोगे, 5 methyl octane 1 all। थर्ड नंबर मान लो कुछ इस तरीके से है, यहां ब्रोमीन लगा दे और यहां OH लगा दे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ नहीं है, कितना पर है, 5 ब्रोमो है, तो लिख लो ऐसे 5 ब्रोमो, और कितना हो जाएगा, ऑक्टेन 1 all है ना। अब पोजीशन चेंज करते हैं जरा, तो 4 नंबर मान लो इस तरीके से है कुछ, अब यहाँ OH दे दिया जाता है और आपको यहाँ एक डबल बॉन्ड दे दिया जाता है, और इंटरेस्ट आएगा, आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इधर से 1 2 3 4 5 6 पे चला जाता है, चूँकि OH की प्रायोरिटी देनी है, तो कितना पर है, 4 पर है ना, तो 4 पर क्या है, तो 4 पर है तुम्हारा इन, तो ऐसे लिख दोगे 4 in, क्या लिख दोगे, 4 in, और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगा, ऑक्ट 1 2 3 ऑक्ट 3 all या ऑक्टेन 3 all, कुछ भी लिख सकते हो है ना,
फिर फाइव नंबर में मान लो इस तरीके से आपको दिया हुआ है एक, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दे दिया गया है ना, फिर यहाँ लेके चला गया और यहाँ तुमको बी आर लगा दिया, यहाँ सी एच थ्री लगा दे और यहाँ ओ एच लगा दे, तो 1 2 3 4 5 6 7 है, फिर से 8 पहुँच गया, 8 कार्बन का है तो ऑक्ट, चलो इस बार 7 लेके चलते हैं है ना, क्योंकि टोटल में देख रहे हैं तो 8 ही रह रहा है, तो आई इन क्या लिख देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 3 ब्रोमो लिखा जाएगा, क्योंकि हमको अभी जो भी प्रायोरिटी देनी है वो एच को देनी है, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकल में लिख देना है, तो 3 ब्रोमो हो गया और 4 मिथाइल हो गया, तो 3 ब्रोमो 4 मिथाइल और फिर क्या हो गया 5 है ना, 5 आइन, और फिर क्या हो जाएगा हेप्टेन, हेप्टेन 1 ऑल, कोई प्रॉब्लम? तो बॉन्ड लाइन में अगर रह गया तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, बॉन्ड लाइन में भी बना दोगे, ओके। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग साइक्लो का देख लें कि साइक्लो में रहेगा तब कैसे बनाएंगे। सर साइक्लो भी कोई हार्ड नहीं है, साइक्लो भी बहुत ही इजी है, ठीक है। अब देखो साइक्लो का मान लो हम एग्जांपल नंबर साइक्लो का फर्स्ट ले लेते हैं, इस तरीके से रहे बिल्कुल सिंपल, कितना बहुत हार्ड है तो बनेगा ही नहीं सर, बहुत हार्ड है। 1 2 3 1 2 3 कहीं से भी जा सकते थे, तो क्या हो जाएगा, तो साइक्लो का तो साइक्लो प्रीफिक्स होता ही है, स्पेशल लेक्चर है इस पे, जाकर देखो 5 नंबर लेक्चर है ये, साइक्लो है ना, साइक्लो प्रोपेन 1 ऑल, इस तरीके से 1, हालांकि बताने का कोई ज़रूरत उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन चलिए लिख दिए तो भी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो गया। यहाँ ओ एच, यहाँ बी आर, तो कैसे लिखोगे, तो 1 2 3 1 2 3 दोनों साइड से इक्वल है तो ऐसे लिख दो 3 ब्रोमो और साइक्लो, कौन सा साइक्लो है, तो 1 2 3 4 चार कार्बन का साइक्लो है, तो साइक्लो क्या ब्यूटेन, तो 3 ब्रोमो साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन 1 ऑल है ना। और थर्ड नंबर मान लो इस तरीके से एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, और इस प्रॉब्लम में मान लीजिए यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ OH है और यहाँ CH3 है, अब मजा आएगा किधर से चला जाए, 1 फिर 2 3 4 पे इसको पड़ेगा, इधर से कर दो तो 1 2 3 तो इसको आ जाओगे 2 3 4 5, इसको भी देख लेना है डबल बॉन्ड जितना मिनिमम कम रिसीव करे है ना, तो इधर का इंटरनेशनल इधर लिख देते हैं, समझ जाओगे ना, तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले इसको लिखोगे सब्स्टिट्यूएंट को, तो 5 मिथाइल कर दोगे, क्या कर दोगे 5 मिथाइल, फिर क्या हो जाएगा 2 इन, 5 मिथाइल 2 इन, फिर क्या लग जाएगा साइक्लो, तो लगा दो साइक्लो, क्या साइक्लो है 5 कार्बन का है, तो साइक्लो पेंटेन 1 ऑल है ना, इस तरीके से। 4 नंबर मान लो तुमको एक साइक्लो ऐसा दिया हुआ है, और इस साइक्लो में मान लो कि एक ऐसे हम दे दिए CH3 CH CH2, और यहाँ मान लो लगा दिया गया है ऐसे डबल बॉन्ड ऐसे CH CH3, तो 1 2 3 4 5 कार्बन ऊपर में भी है, 5 कार्बन नीचे में भी है, दोनों में दोनों कार्बन बराबर है, तो साइक्लो कंपाउंड का कंसेप्ट जब हम पढ़ाए थे लेक्चर नंबर 6 का 5 पार्ट में, तो हम ये बताए हैं, नहीं जानते हैं आप उसको जाकर के जरूर देखिए, वही तो है, बहुत इंपॉर्टेंट है साइक्लो का कंसेप्ट। तो जब साइकिल में अगर मान लो चैन जो लगा हुआ है, चैन का नंबर और साइकिल का नंबर का कार्बन दोनों एटम बिल्कुल सेम होता है, तो साइकिल की प्रायोरिटी दे दी जाती है, सॉरी ये आपको इसका प्रायोरिटी दे दी जाती है जो साइकिल बना हुआ है, लेकिन अगर उसमें कार्बन ज़्यादा होता है तो उसकी प्रायोरिटी दे दी जाती है, लेकिन जब चैन हो और चैन में या तो फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड लगी रहे हो, तो ऐसी स्थिति में बराबर होने के बाद हम लोग चैन को प्रायोरिटी देते हैं, तो फिलहाल ये सब्स्टिट्यूएंट है, ओके, फिलहाल जो है वो ये सब्स्टिट्यूएंट है, किसके कारण, क्योंकि चैन में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप होता तो भी इसको प्रायोरिटी दे देते, ओके। तो क्या हो जाएगा, देखो तो 1 2 3 4 5
तो फोर पर लगा हुआ है क्या, साइक्लोपेंटाइल, तो इंटरनेशनल नेम क्या हो जाएगा, फोर साइक्लोपेंटाइल, क्या हो जाएगा, फोर साइक्लोपेंटाइल और टू, तो वन टू थ्री फोर फाइव, तो क्या हो जाएगा पेंटेन टू इन, पेंटेन टू इन या पेंट टू इन भी लिख सकते हो, पेंट टू इन मतलब कि पांच कार्बन पर, पांच कार्बन में दूसरा पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड, तीसरा पर वन टू थ्री टू दूसरा पे है तो टू इन लगा दिए। फिर मान लो कि इस तरीके से है और एक यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, सॉरी, और एक यहाँ इस तरीके से है और इसमें जो है यहाँ OH लगा हुआ है। अब बोले इसका नाम देके दिखाओ, कैसे नाम दोगे, तो इसमें OH लगा हुआ है और इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसमें कार्बन भी ज़्यादा है, तो मेन ये हो गया और ये हो गया वन, ये तुम्हारा हो जाएगा वन, ये हो जाएगा टू थ्री फोर और फाइव, तो इसका आई एन क्या दोगे, तो आई एन क्या हो जाएगा, तो टू साइक्लो प्रोपीनाइल, प्रोपीन है ना, साइक्लोप्रोपीन है तो साइक्लोप्रोपीनाइल हो जाएगा, कहे कि यहाँ वाइल प्रोनाउंसिएशन इसके साथ हो जाएगा, तो हो जाएगा टू साइक्लोप्रोपीनाइल और फिर हो जाएगा क्या, साइक्लोपेंटेन वन ऑल, साइक्लोपेंटेन वन ऑल मतलब कि साइक्लोपेंटेन में पहला कार्बन पर OH लगा हुआ है, तो ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो अभी आप ऐसे बना लेंगे। ओके, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलो इसके बाद और भी टफ प्रॉब्लम हो सकता है, तो जैसे इस तरीके का, हम लोग इस तरीके का प्रॉब्लम ले लें, तुम्हारा कितना था वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहाँ सिक्स नंबर एक प्रॉब्लम लेते हैं साइक्लो में, कि मान लो कि ये एक साइकिल ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा साइकिल बनाए, एक साइकिल हम मान लो ऐसे इस तरीके का ले लिए, ठीक है, अब यहाँ एक सी एच थ्री सी एच सी एच ओ एच और सी एच थ्री ले लेते हो, देखो यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव कार्बन है, यहाँ वन टू थ्री फोर कार्बन है, बताओ कौन यहाँ एल्काइल का काम करेगा, तो ये हो जाएगा एल्काइल का फॉर्म, ठीक है, यहाँ ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें पांच कार्बन है फिर भी सब्स्टिट्यूएंट है क्योंकि इसमें OH लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका नाम कैसे दोगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से वन टू थ्री फोर, चूँकि यहाँ से थ्री नंबर पड़ता है तो क्या लिख दोगे, तो हो जाएगा थ्री साइक्लोपेंटाइल, है ना, साइक्लोपेंटाइल, तीसरा पर साइक्लोपेंटाइल लगा हुआ है, तो थ्री साइक्लोपेंटाइल ब्यूटेन टू ऑल, सिंपल। सेवन नंबर एक बहुत ही ज़बरदस्त, जिसमें सारा कुछ लगाया जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दें, यहाँ ऐसा सिंगल बॉन्ड लगा दें और यहाँ साइक्लोहेक्सेन लगा दें और यहाँ इसमें ब्रोमीन लगा दें, यहाँ मिथाइल लगा दें और यहाँ पर तुम्हारा एक OH लगा दिया जाए। अब बोले इसका नाम देके देखो, तो इंटरनेशनल नेम में इसका क्या नाम दोगे, तो इंटरनेशनल नेम में इसका क्या नाम दोगे, तो देखो प्रायोरिटी इसको देना है ना, तो यहाँ से चल दोगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर, तो इधर से अगर चलते हैं तो ऐसे भी तो ये नंबर वन मिल ही गया है डबल बॉन्ड को, तो इधर से चलेंगे तो सारे सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिल जाएगा, तो वन टू, लेकिन क्या करते हैं कि जितना हो सकता है डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर में इंक्लूड कर लेते हैं, तो इधर से चल देंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, चूँकि डबल बॉन्ड जितना हो सके मिनिमम में कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो अब यहाँ इंटरनेशनल में क्या लिखेंगे, तो फाइव ब्रोमो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, फाइव ब्रोमो, और फिर क्या हो जाएगा, फाइव ब्रोमो के बाद फोर मिथाइल, फोर मिथाइल, और क्या हो जाएगा फिर सिक्स साइक्लोपेंटीनाइल, क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटीनाइल, और फिर हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेन है तो लिख दोगे ऐसे साइक्लो
हेक्सीन साइक्लो हेक्स वन इन साइक्लो हेक्स वन इन वन ऑल है या फिर ऐसा भी लिख सकते हो कि वन इन साइक्लो हेक्स वन इन साइक्लो हेक्स वन ऑल कोई दिक्कत। आपको कितना भी हार्ड कंपाउंड दिया हुआ हो इससे ज़्यादा हार्ड देने वाला नहीं है। आप कोई भी दे किसी भी तरीके का दे आप अगर बनाएंगे तो इसी लेवल से बन जाएगा। सारा नीट का क्वेश्चन है ये सब। किसी भी टाइप का नोमेनक्लेचर दे आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ओके तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं समाप्त होता है और हम जल्दी नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे जिसमें कि कीटोन वगैरह को इंक्लूड करेंगे। ओके तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।